एनसीईआरटी पायलट प्रोजेक्ट के अंदर बोर्ड की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी इवोल्यूशन सिस्टम कैसी होगी, इसके अंतर्गत बहुत से सवाल हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने पूछे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि इवोल्यूशन सिस्टम एनसीईआरटी पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जो स्कूल्स जुड़ी हुई है गुजरात बोर्ड के अंदर, वो कैसे होगा, उसके रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो एनसीईआरटी पायलट प्रोजेक्ट के अंदर स्कूल जुड़ी है वो सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको आइडिया मिले। अगर हम एनसीईआरटी पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो उसके अंदर इंटरनल मार्क्स और बोर्ड एग्ज़ाम मार्क्स हैं, जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम में गुजरात बोर्ड में होते हैं उसी तरीके से। इंटरनल मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं, तो पहले मैं मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के अंदर इंटरनल मार्क्स की जो इवोल्यूशन पैटर्न है, सिस्टम है, उसकी बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी पायलट प्रोजेक्ट के अंदर तीन एग्ज़ाम हुई है। पीरियोडिकल एग्ज़ाम 1 के जो 40 मार्क्स की थी, पीरियोडिकल एग्ज़ाम 2 के जो 60 मार्क की थी। पीरियोडिकल 1 40 मार्क्स की हुई थी, पीरियोडिकल 2 जो है वो 60 मार्क की हुई थी, और पीरियोडिकल 3 एग्ज़ाम जो 80 मार्क्स की हुई थी। नाउ ये जो 40 मार्क्स है उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया जाए, 60 मार्क्स है उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया जाए, 80 मार्क्स को भी 10 में कन्वर्ट करने के बाद एवरेज बेस्ट ऑफ टू पीरियोडिकल एग्ज़ाम, मतलब के ये जो तीन एग्ज़ाम हुई है उसमें से जो दो बेस्ट स्कोरिंग मार्क्स होंगे उसका एवरेज यहाँ पे 10 मार्क्स के अंदर लिया जाएगा। फिर 10 मार्क्स नोटबुक के हैं, 10 मार्क्स सब्जेक्ट एनरिचमेंट के हैं, और फिर टोटल 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब टोटल 30 मार्क्स का इंटरनल इस तरीके से होगा। मैं आपको यही चीज़ एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए पीरियोडिकल एग्ज़ाम 1 के अंदर 40 में से कोई एक स्टूडेंट के 32 मार्क्स आए, ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट के पीरियोडिकल एग्ज़ाम 1 के अंदर जो 40 मार्क्स की हुई थी उसमें से 32 मार्क्स आए, तो अगर हम उसको 10 में कन्वर्ट करें तो 40 में से 32 मतलब 10 में से उसके मार्क्स हो जाएंगे 8, मतलब 10 में से उसके मार्क आए 8। उसी तरीके से मान लीजिए 60 मार्क की जो पीरियोडिकल 2 हुई थी उसमें उसके मार्क आए 45 आउट ऑफ 60, तो अगर वो हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएंगे आउट ऑफ 10 7.5। उसी तरीके से मान लीजिए जो पीरियोडिकल 3 हुई जो 80 मार्क्स की हुई उसमें से उस स्टूडेंट के मार्क आए 62 आउट ऑफ 80, तो उसके मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 10 7.75। देखिए पीरियोडिकल 1 में उसके 8 मार्क है आउट ऑफ 10, पीरियोडिकल 2 में 7.5 है, और पीरियोडिकल 3 के अंदर आउट ऑफ 10 इट इज 7.75। नाउ एवरेज बेस्ट ऑफ टू पीरियोडिकल एग्जाम्स हमें लेना है, तो वो एवरेज लेने के लिए यहाँ अगर हम देखें तो तीनों में जो बेस्ट स्कोर है तो आप देख सकते हो 8 और 7.75, यहाँ पे 7.5 है बट बेस्ट ऑफ टू में ये कंसिडर होगा और ये कंसिडर होगा। तो हमें क्या करना है, 8 प्लस 7.75 दोनों का टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये हम एवरेज ले रहे हैं, ये दो स्कोर का एवरेज लेंगे। 8 प्लस 7.75 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो हमारा स्कोर आता है 7.87, और वी कैन से 7.8। फिर मान लीजिए आप नोटबुक के अंदर उस स्टूडेंट को 10 में से, हम कंसीडर करते हैं कि उसको 10 में से 9 मार्क मिले। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, अभी सब्जेक्ट एनरिचमेंट क्या होता है, तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट के अंदर जो स्कूल्स के अंदर प्रोजेक्ट या फिर होमवर्क या कोई डिफरेंट वर्क्स दिए जाते हैं तो वो सब सब्जेक्ट एनरिचमेंट के अंदर आता है। क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग वुड बी इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट एनरिचमेंट। मान लीजिए कि उस स्टूडेंट को सब्जेक्ट एनरिचमेंट में भी 9 मार्क्स मिले। नोटबुक चेकिंग जब टीचर ने की तो उसकी नोटबुक कंप्लीट थी, थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट होने के बावजूद उसका मैक्सिमम कंप्लीट था, तो टीचर ने उसे 9 मार्क दिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 9 प्लस 9 18 प्लस 7, मतलब उसका होगा स्कोर 25.87। तो हम देखते हैं 9 प्लस 9 प्लस 7.87, तो हमारा स्कोर हुआ 25.87। इसका मतलब हुआ कि 25.87
को हम अगर राउंड फिगर में कन्वर्ट करें तो आउट ऑफ 30 उसके मार्क्स हुए 26। तो ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल मार्क्स उसके कोई एक सब्जेक्ट के अंदर 26 हो गए। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, पीरियोडिकल 1 को 10 में कन्वर्ट किया, पीरियोडिकल 2 को 10 में कन्वर्ट किया, पीरियोडिकल 3 को भी हमने 10 में कन्वर्ट किया, और ये जो तीनों एग्जाम्स के स्कोर है उसमें से बेस्ट 2 स्कोर को लेके हमने एवरेज निकाला और वो हो गया उसका आउट ऑफ 10। फिर हमने नोटबुक चेकिंग के या नोटबुक का जो वर्क किया था उसने पूरे साल, उसके अकॉर्डिंगली आउट ऑफ 10 मार्क दिए, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 10 मार्क। इस तरीके से सब्जेक्ट एनरिचमेंट में और एक चीज़ है कि प्रैक्टिकल वर्क जो टीचर्स कराते हैं वो भी उसमें इंक्लूड होता है, तो प्रैक्टिकल ओरल भी ले सकते हैं, वाइवा ले सकते हैं टीचर्स, और डिफरेंट वे से सब्जेक्ट एनरिचमेंट के मार्क टीचर्स रखते हैं। मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से एवरेज ऑफ बेस्ट ऑफ टू एग्जाम 10, नोटबुक 10 और सब्जेक्ट एनरिचमेंट 10, टोटल 30, उसमें से मान लीजिए स्टूडेंट के मार्क्स आए 26, तो वो 26 मार्क बोर्ड के अंदर उसके 30 में से आ गए। उसी तरीके से अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करो तो इंग्लिश सब्जेक्ट में थोड़ा पैटर्न चेंज है, जिसके अंदर नोटबुक और सब्जेक्ट एनरिचमेंट की जगह ASL है, बाकी पैटर्न सेम है। पीरियोडिकल एग्जाम 1 10, पीरियोडिकल एग्जाम 2 10, पीरियोडिकल एग्जाम 3 10। तो ये 3 में से जो मार्क आएगी उसकी एवरेज, बेस्ट ऑफ टू की एवरेज, मतलब एवरेज ऑफ बेस्ट ऑफ टू एग्जाम्स जैसे हमने यहाँ किया वैसे ही यहाँ पे रखा जाएगा। बट जो साइंस और मैथ सब्जेक्ट में नोटबुक और सब्जेक्ट एनरिचमेंट था उसकी जगह इंग्लिश में 20 मार्क का ASL होगा। ASL मतलब असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जो टीचर्स ऑलरेडी ले लिया होगा, टीचर्स ने जो इंग्लिश टीचर्स हैं उन्होंने ASL लिया होगा, तो वो 20 में मार्क्स वो रखेंगे, प्लस एवरेज बेस्ट ऑफ टू के 10 मार्क्स, तो वो टोटल मिला के उसको 30 में से मार्क मिलेंगे। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, तो बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स की होगी, जैसे वो पीरियोडिकल 3 80 मार्क्स की हुई थी उसी तरीके से ये जो एग्जाम है वो 80 मार्क्स की होगी। बट हमने जैसे देखा कि इंटरनल मार्क्स 30 है, इंटरनल 30 है, तो ये जो 80 मार्क की एग्जाम में से मार्क आएंगे दैट शुड बी कन्वर्टेड टू 70, मतलब 80 मार्क्स की बोर्ड एग्जाम होगी जो 70 में कन्वर्ट किए जाएंगे, और उसके अंदर इंटरनल 30 मार्क्स ऐड करके उसका फाइनल रिजल्ट उनको दिया जाएगा। बट बोर्ड एग्जाम के मार्क और इंटरनल मार्क दोनों को मार्कशीट में डिस्प्ले किया हुआ होगा, मतलब आपको पता चलेगा कि इंटरनल 30 में से मेरे कितने आए थे, और बोर्ड की जो 70 मार्क की एग्जाम हुई, एक्चुअली 80 मार्क की हुई, उसमें से कन्वर्ट होके 70 में से मेरे कितने मार्क्स आए हैं। फाइनल स्कोर्स कुछ इस तरीके से हो गए, बोर्ड एग्जाम आउट ऑफ 70 प्लस इंटरनल एग्जाम्स, हमने अभी देखा इंटरनल मार्क्स जो 30 में से थे, 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी एक स्टूडेंट के बोर्ड की एग्जाम में 80 में से मान लीजिए 60 मार्क आए, 80 में से उसके 60 मार्क आए, जिसको हम अगर कन्वर्ट करें आउट ऑफ 70 तो वो मार्क्स हो जाएंगे 52.5। इसका मतलब अगर हम राउंड फिगर करें तो इट इज 53, तो हम यहाँ लिख देते हैं वो मार्क हो गए 53। उसी तरीके से इंटरनल एग्जाम्स के अंदर हम मान लीजिए हमने यही एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 30 में से उस स्टूडेंट के मार्क्स आए थे 26, तो ये बोर्ड के एग्जाम की मार्कशीट में ये मेंशन होगा कि आउट ऑफ 70 उसके मार्क्स आए 53 और इंटरनल में आउट ऑफ 30 उसके मार्क आए 26, और ये दोनों का टोटल करके मार्क्स हो जाएंगे 79 आउट ऑफ 100। उस तरीके से उसको जो मार्क्स है, मतलब वो एक सब्जेक्ट के अंदर उसके मार्क आउट ऑफ 179 इस तरीके से डिस्प्ले हो गए, और उसी के ऊपर से उनको ग्रेड मिलेगा, जैसे हम बोलते हैं A1 A2 A3, तो दैट ग्रेड विल बी डिसाइडेड ऑन दिस मार्क्स। आई होप यू अंडरस्टूड।